जयराम रमेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। ऐसा करने वाले केवल जयराम रमेश ही नहीं है जो कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन 2024 चुनाव के बाद जब हार की गलतियां निकाली जाएगी तो सबसे पहले यही रमेश बलि का बकरा बनेंगे। अपने अहंकार में डूबे हुए इस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता ये क्या बोल रहा है। अब इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर एक विवादित पोस्ट किया था। अब इस पोस्ट का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने नोटिस जारी करके जयराम रमेश से इस दावे के सबूत मांगे हैं। इन सबूतों के साथ कांग्रेस नेता को जवाब देने के लिए रविवार 2 जून तक का समय दिया गया था। जवाब देने के बजाय जयराम रमेश ने उल्टे चुनाव आयोग की ही निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई जिलों के DM को सीधे कॉल करके धमका रहे हैं। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया था कि अब तक 150 जिलाधिकारियों से अमित शाह की बातचीत हो चुकी है। दरअसल जयराम रमेश ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र धमकियों से नहीं बल्कि जनादेश से चलता है। 4 जून को आ रहे जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा सत्ता से बाहर होगी, इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वे संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उन पर हमारी नजर है। जयराम रमेश द्वारा की गई इसी पोस्ट के अगले दिन रविवार 2 जून को भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी सुमन कुमार दास ने उन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि आचार संहिता के दौरान सभी जिलाधिकारी सीधे तौर पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। आयोग ने बताया कि जयराम रमेश द्वारा किए गए दावों से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से 2 जून तक उनके दावों को प्रमाणित करने वाले सबूत देने को कहा है। खुद को मिली इस नोटिस पर जयराम रमेश ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की ही निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। दावों का सबूत पेश करने की बजाय जयराम रमेश आरोप लगाने लगे कि चुनाव आयोग उन शिकायतों पर ध्यान नहीं देता जो भाजपा के विरोध में की जाती है। टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि वो चुनाव आयोग की इस नोटिस का क्या और कब जवाब देंगे। खैर, आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।